आज श्रावण कृष्ण द्वितीया मंगलवार 23 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा रिमझिम बारिश हो रही है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में कल हुए हिंडोलना अधिवासन के पश्चात प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के हिंडोलना के दर्शन हैं। चांदी के यह हिंडोलना के दर्शन कल से प्रारंभ हुए हैं, आज भी चांदी के हिंडोलना के ही दर्शन होंगे। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं, यह पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर कांकरोली से हैं। यहाँ भी कल हिंडोलना का अधिवासन करने के पश्चात चांदी के हिंडोलना में प्रभु विराजे और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी व वैष्णवों ने प्रभु के हिंडोलना के दर्शन किए। आगामी 31 दिनों तक हम हिंडोलना दर्शन नित्य करवाते रहेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत श्री जी की नगरी से एक विशेष प्रस्तुति भी आपके लिए है। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से हिंडोलना के दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रावण मास की सेवा के तहत आज हिंडोलना रोपण उत्सव के प्रचारगी के श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार अधिकांशतः बड़े उत्सवों के एक दिवस उपरांत धराए जाते हैं। आज के यह श्रृंगार चंद्रावली जी की भावना से धराए गए हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर पेंजनिया और बिछिया धारण की हुई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान अंतर्मन को आनंदित करते हुए सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन किन रूपों में
धारण किया है। आइए अब इसके दर्शन करते हैं। शिव जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। दो स्वर्ण के पड़गाजी एवं एक रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की दो गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज पीले रंग की मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। यह पिछोड़ा रूपहरी जरी की किनारी के लप्पा से सजा हुआ है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण यह दृश्यमान नहीं होता है। शिव जी की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को उत्सव के माणक के धराए गए हैं, जिसमें भी श्रीकंठ में नीचे पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक एवं मोती के हार व दुलड़ा धराए हुए हैं। कस्तूरी, कली आदि सभी मालाजी भी धराई गई हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज पीले रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई हुई है, जिस पर आसमानी रंग की बाहर की खिड़की बनी हुई है। पाग पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर एक मोरपंख की सादा चंद्रिका धराई हुई है। इनके साथ पन्ना से सिद्ध की हुई लूम भी धराई गई है। बाईं ओर प्रभु को शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज हीरा से सिद्ध किए हुए दो जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है और जो वेणु जी धराए गए हैं वह माणक से सिद्ध किए हुए हैं। कटी पर प्रभु को उत्सववत माणक एवं हीरा के वैत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें प्रभु को आज पट उत्सव का और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए
नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में चार झाड़ वाली और राजभोग में सोने की डांडी वाली है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में आज में देखे कुंवर कन्हाई, राजभोग में अंग अंग घन कांति, हिंडोरा के समय जुगल किशोर हिंडोरे, नटवर सुरंग हिंडोरे, सुख हिंडोरे झूलाऊं, शयन में ओलहर आई हो घन घटा, मान के पद में कौन करे पटतर तेरी सुन, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है और मनोरथों के विशिष्ट भोग भी अरोगाए जा रहे हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है और संयोगी जीवों को कृतार्थ करने के लिए श्रावण मास की सेवा के तहत प्रभु नित्य हिंडोरना में विराज रहे हैं, जिसके तहत प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी एवं श्री मदन मोहन जी प्रभु डोल तिवारी एवं कमल चौक में रजत के हिंडोरना में विराज कर आनंद वर्षा करेंगे। लाडिले लाल श्री नवनीत प्रिया जी अपने निज मंदिर के चबूतरे पर हिंडोलना में विराजेंगे। परम पूज्य तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। प्राचीन मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती कला प्रदर्शन के जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नाथद्वारा में स्थित आंबावाड़ा अखाड़ा से हैं। संदर्भ यह है कि गुरु पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ी पूनम के अवसर पर श्रीजी की नगरी में स्थित सभी अखाड़ों पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। हनुमान जी की गुरु के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, परंतु ब्रजवासी सनाढ्य समाज का यह आंबावाड़ा अखाड़ा इसमें अपवाद है, क्योंकि यहाँ यह सब आयोजन आषाढ़ी पूनम के दूसरे दिन होते हैं, परंतु भावना गुरु पूर्णिमा की ही रहती है। यह भी उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा कुश्ती कला में सदैव से देश भर में प्रसिद्ध रहा है, किसी समय विदेशों में भी धूम थी। मिट्टी में कुश्ती कला अब लगभग बंद सी हो गई है, परंतु नाथद्वारा के कई अखाड़ों में अभी भी यह कला संवर्धित भी हो रही है और सुरक्षित भी है। हालांकि इन अखाड़ों पर मैट की व्यवस्था भी है। प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य के प्रति ब्रजवासियों और नाथद्वारा वासियों में जो जागरूकता रही है, उसके यह जीते जागते प्रमाण हैं। नाथद्वारा में स्थित लगभग सभी व्यायामशालाओं का प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से गहरा नाता रहा है। प्राचीन स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के साथ कुश्ती कला का आप भी कभी अवलोकन करना चाहें या इन व्यायामशालाओं की कोई सहायता करना चाहें तो यहाँ अवश्य पधारें। व्यायामशाला के उस्ताद श्री कन्हैयालाल जी सनाट्य के सानिध्य में दुर्गेश सनाट्य, दिनेश सनाट्य,
भोला सनाट्य और जयेश सनाट्य आदि अखाड़े के पहलवानों ने समग्र आयोजन का सफलतापूर्वक संचालन किया। श्री हनुमान जी को विशेष भोग धराया गया, श्रृंगार धराया गया और भजन आदि भी किए गए। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।